दोस्तों जो अभी न्यू पार्लियामेंट बना है, जिसका अभी अभी उद्घाटन हुआ है, उसको बनाने वालों के पीछे की कहानी को अगर आप जानेंगे तो आप इन्हें जरूर लाइक देंगे। पीएम मोदी ने इन सभी श्रमिकों के साथ बैठकर भोजन भी किया और इनके साथ फोटो भी खिंचवाई। ये सब कुछ आप इस 15 सेकंड के क्लिप में देखिए, फिर हम आपको बताएंगे कि इन श्रमिकों ने क्या कुछ बोला है। क्लिप में कि किस तरह से ये सभी मजदूर पहले पीएम मोदी के साथ खुशी खुशी तस्वीर खिंचवाते हुए नजर आ रहे हैं और बाद में पीएम मोदी इन सभी मजदूरों के साथ बैठकर खाना भी खा रहे हैं और इस दौरान वहां सीएम योगी भी मौजूद हैं और वो भी मजदूरों के बीच में ही बैठकर उनके साथ खाना खा रहे हैं। दोस्तों ये सभी तस्वीरें नए पार्लियामेंट के उद्घाटन के दौरान की हैं। पीएम मोदी के बिना इस नए पार्लियामेंट का निर्माण और इसका सफल उद्घाटन मुमकिन ही नहीं था और ये सभी मजदूर जो आपको वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, ये वो मजदूर हैं जिन्होंने दिन रात एक करके नए पार्लियामेंट हाउस का निर्माण किया है। ये वो मजदूर हैं जिन्होंने हर एक मुश्किलों के दौरान नए पार्लियामेंट के निर्माण का काम जारी रखा और उसमें अपना जी जान लगा दिया और पार्लियामेंट हाउस के निर्माण को तय समय पर पूरा भी किया। और अगर ये मजदूर नहीं होते तो शायद आज नया पार्लियामेंट हाउस इतने शानदार तरीके से तैयार नहीं होता। इसलिए इन श्रमिकों के श्रम का देश के पीएम ने पुष्प वर्षा से सम्मान किया, उनका अभिनंदन किया और उनको इसके लिए बधाई भी दी। इसके बाद जब इन सभी श्रमिकों को पीएम मोदी के साथ तस्वीर खिंचवाने का मौका मिला तो उस दौरान प्रशासन ने जो इंतजाम किया हुआ था वो श्रमिकों और पीएम मोदी के बीच भेदभाव करने वाले थे, लेकिन पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल की परवाह किए बगैर एक झटके में ही उस दूरी को मिटा दिया और सब कुछ छोड़कर उसी गरीब पर बैठ गए जिस दरी पर सभी श्रमिक बैठे हुए थे। ऐसे में उन्होंने उस दूरी को भी दूर कर दिया जो उनको उन श्रमिकों से अलग कर रही थी। इसके बाद मौका आया उनके साथ भोजन करने का और पीएम मोदी और सीएम योगी ने जब इन श्रमिकों के साथ भोजन किया तो वो पल भी देखने लायक था, क्योंकि ये पल उन श्रमिकों के लिए अपनी मेहनत के फल से लाख गुना अनमोल था जो उन्हें अपने काम के लिए मिला। ये असल में उनके श्रम का सम्मान था कि यूपी के सीएम और देश के पीएम इन सबके साथ एक साथ बैठकर बिना किसी दूरी के और बिना किसी भेदभाव के भोजन कर रहे थे। और बाद में जब इन मजदूरों से पूछा गया कि उनको कैसा लगा तो उनके चेहरे पर खुशी साफ देखी जा सकती थी और उन्होंने बताया कि उनको काफ़ी अच्छा लगा। अब आप ये क्लिप देखिए कि ये श्रमिक मजदूर क्या कह रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी मिला। हाँ। क्या क्या बातें हुई आपकी उनसे? हम लोग के प्रधानमंत्री जी शाबाशी दिए। हाँ। कि आप लोग इतना मेहनत करके इतना ही कॉरिडोर के मतलब बनाए। हाँ। इसी में हम लोग इतना खुश है कि मतलब मत कहिए। और क्या बोलना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी को? और कुछ और हम कहते बोलेंगे। दोस्तों सुना ना आपने कि ये सभी का काम कितने ज़्यादा खुश हैं। 225 श्रमिकों का इस दौरान सम्मान हुआ है और ये ना सिर्फ इतिहास है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संदेश है कि श्रम की सादगी का भी सम्मान हो सकता है अगर उसका आदर करने वाला हो तो। तो दोस्तों ऐसे में ये बेहद ही खूबसूरत पल था जो कि देखने लायक था और जिसकी शायद ही किसी ने उम्मीद की होगी। ऐसे में वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? मोदी ने जिस तरह से सभी श्रमिकों को बिना भेदभाव के सम्मान दिया है उसके बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।